आज हम दोनों साथ होकर भी अपने बच्चे को साथ मिलकर बचा नहीं पा रहे। राधा मोहन हमेशा से साथ थे, तभी तो हम थे। मीरा मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब किस बारे में? राधे राधे मम्मा। राधे राधे मम्मा, ऐसे ही बोलता है ना। I'm sure आप उसको याद कर रही होंगी। हाँ युग, हम सब याद कर रहे हैं उसको जी। मम्मा अगर भगवान ने चाहा ना तो वो जरूर मिल जाएगा। टेंशन मत लो आप। और अगर मैंने चाहा ना तो वो कभी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो मामा। राधिका मेरी छोटी बच्ची, राधिका इस वक्त तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ। माँ को अपने बच्चे से प्यारा और कोई नहीं होता, और वही बच्चा अगर आंखों से दूर हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा ही कट गया हो। लेकिन तू फिक्र मत करना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माँ की बिहारी जी है ना, उन पे भरोसा रखना। वो इतने कठोर दिल के नहीं है कि जो एक माँ को अपने बच्चे से दूर रखे। अरे वो भी तो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। उनसे ज्यादा एक माँ का दर्द, उसकी तड़प और कौन समझ सकता है। बिल्कुल फिक्र मत करना, हमारा मनन हमें मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा तो फिक्र मत करना। बिल्कुल सही कह रही है दादी। बाकी प्यारी जी, आप तो खुद अपनी माँ से कितना प्यार करते थे ना, अपनी दोनों माँ से कितना प्यार करते थे। आपने तो खुद अपनी एक माँ से दूर होकर उनका दर्द समझा है, देखा है। कितना तड़पी थी देव की माँ आपके बगैर, आपके जाने के बाद। बिल्कुल उसी तरह मैं भी तड़प रही हूँ अपने मन के लिए। वाकई बिहारी जी, मैं तड़प रही हूँ, पूरा परिवार तड़प रहा है। सबकी बहुत बुरी हालत हो गई है मनन के बगैर। वो हमारे इस घर की जान है, धड़कन हम सबकी। कृपा करके मिला दीजिए, हमारे मन को हमारे पास लेकर आ जाइए। बाकी बिहारी जी, हम सबकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप ही हमें राह दिखाइए प्लीज। बाकी बिहारी जी प्लीज प्लीज। Oh!
टॉम्पी, सारा पानी तो गिर गया, अब मैं क्या पीऊंगा? मुझे पानी पीना है मम्मा। मम्मा मैं क्या करूं? मम्मा मुझे पानी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा मनन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें राम मां बुलाऊंगी। राधिका आंटी, अब टेंशन मत लीजिए, मनन वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। जिस तरह आप उसके लिए प्रे कर रहे हो ना, हम भी कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, देखना जल्दी वापस आ जाएगा। संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा मनन को। वो कितना ब्रेव है ना, तो आप भी अपनी हिम्मत मत हारिए। पुलिस ढूंढ लेगी उसे। आप भी कहती थी ना, अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हो तो बुरा होता है। तो आप भी अच्छा ही सोचिए, कुछ नहीं होगा, वो सेफली घर पहुंच जाएगा। चंदन भैया जी, ये लंच बॉक्स आपको कहाँ से मिला? डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। मतलब मेरे मदर ने स्कूल बैग से ये टिफिन बॉक्स बाहर निकाल दिया? वो स्कूल में टिफिन बॉक्स देखा ही नहीं था। आखिर आज
मेरे मनन को ना बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं है, वो रह ही नहीं पाता, चटपटाता रहता है वो। मतलब सुबह से लेकर अब तक उसने कुछ खाया ही नहीं। बहुत गुड़गुड़ हो रही है, चंपी बहुत भूख लग रही है, तुझे भी लग रही होगी ना? काश मैं मम्मा की बात मानता, लंच बॉक्स लाता। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? बहुत भूख लग रही है। बिस्किट लाया था वो भी तुझे दे दिया, खाने को कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है मम्मा, बहुत भूख लगी है मम्मा। आगे भैया जी, मेरा बेटा भूखा है, वो सुबह से भूखा है, वो मैं क्या करूं? मैंने कहा था उसे कि टिफिन बॉक्स लेकर जाए, पर वो मेरी कभी बात मानता ही तो नहीं है ना, अब मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा भूखा होगा, उसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है वहां के प्यारी जी। बातों बातों में मैं भूल कैसे गया कि राधिका ने कुछ खाया ही नहीं। उसकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं भूल कैसे गया? मामा, राधिका की तबीयत खराब हो चुकी, जल्दी चलिए, जल्दी चलो, उसको किचन में कुछ खाने का। उसे कितनी भूख लग रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, रो रहा होगा वो भूख के वजह से। मैं चाहती थी कि वो टिफिन लेकर जाए, पर वो तो बदमाश है, कभी सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं? जी से मिलने। राधिका आंटी की तबीयत खराब है, वो मरण के जाने के शौक में उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना? चलिए। बाकी बहर जी, बाकी बहर जी, मेरा बेटा सच में बहुत भूखा है, भूख के मारे चटपटाने लगते, कृपा करके मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाइए,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाकी भेज प्लीज प्लीज। राधिका जी आज जब स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे ना तब मनन के बैग में 3 आम डाल दिए थे मैंने, आप भी तो थी ना वहां। तो ये मैंगो है, इसे स्कूल में जाना, अपने क्लास में अच्छे तरीके से खाना और इसकी जो अंदर की गुठली है ना वो बाजू वाले के बैग में डाल देना। मनन को अगर भूख लगी तो वो आम खा लेगा वहां पर। मैं तो भूल ही गया था मेरे पास खाने के लिए कुछ है। भूख लगी है मम्मा। बचपन में मुझे भी मैंगो पसंद नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंगो जो है ना वो मेरा फेवरेट फ्रूट बन गया। थैंक्स अंकल एम, वैसे तो मैं मैंगोस नहीं खाता पर आज आज कोई ऑप्शन नहीं है। ले चंपी तू भी खा ले। थे अंकल एम, मैंगो बहुत टेस्टी होते, आपकी तरह अच्छे मेरे भी मैंगो फेवरेट है। चंपी तू खा रहा है ना? देख चंपी मेरी आवाज भी ठीक हो गई, अब मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ। ये थैंक यू बेटे को आखिर उसके पिता का प्यार मिल ही गया। आज मनन का पेट उसकी माँ के बनाए खाने से नहीं पर उसके पिता के कारण जरूर भर गया होगा। धन्यवाद माँ के प्यारी जी, आप बुरे से बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देते हैं। तो देखिए आज हम दोनों साथ होकर भी अपने बच्चे को साथ मिलकर बचा नहीं पा रहे। राधा मोहन राधे मोहना हमेशा से साथ थे, तभी तो है राधा मोहन साथ होते ना तब तभी तो है।
अमन जी तो यही आ रहे हैं। कहीं उन्होंने मेरी आवाज तो नहीं सुन ली, मुझे पहचान तो नहीं लिया उन्होंने। अब क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं? इस तरह से तो उनके सामने से जा भी नहीं सकती। कुछ कहा आपने? अजीब, मम्मा सही कहते हैं चंपी, रोज हेल्प के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बताओगे हुआ क्या?